अभी चार्जिंग वोल्टेज अभी ये दिखा रहा है। तो ये एक साइड का बैटरी मॉडल है XLTZ4। 4 का मतलब है 4 एम्पेयर आवर का ये बैटरी है। काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत बेहतरीन ये बैटरी है। अगर आप 4 एम्पेयर आवर का बैटरी लेना चाहते हैं तो एक्सप्लोर इसका मॉडल है XLTZ4। तो ये कुछ इस तरह से इसको खुलता है। अंदर में जो भी पार्ट्स है उसको संभाल के आप रखिए, जैसे ये रबर कैप हो गया छोटा सा, ये बाद में सब काम में आएगा। और अंदर में आप देख सकते हैं जो लिक्विड है वो एसिडिक इन फॉर्म रहता है। तो हैंड ग्लव्स पहन के काम कीजिए अगर हो सके तो। और यहाँ पे आप छोटा छोटा पॉइंट आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको डिस्टिल वाटर डालना है यहाँ पे। और जो सिंगल पॉइंट आप देख रहे हैं इसको आप ओपन करके रखिए जब आप यहाँ पर डिस्टिल वाटर डालेंगे, क्योंकि यहाँ से जो अंदर का जो हवा है वो निकल कर बाहर आएगा। तो एक छोटा सा कटोरा में मैं डिस्टिल वाटर ले लिया, और इस टाइप का एक ड्रॉपर आपको यूज़ करना है, बेसिकली होम्योपैथी का जो ड्रॉपर रहता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या आप सिरिंज भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको हर एक जो चेम्बर जो है वहाँ पे आपको डिस्टिल वाटर डालना है। तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर डालना हो गया है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं जब यहाँ पे सब फुल हो जाएगा तो यहाँ से ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जब ओवरफ्लो वहाँ यहाँ पे होना चालू हो जाए तो ड्रॉपर से यहाँ से आप जो डिस्टिल वाटर है उसको सक कर लीजिए, कहीं से भी वाटर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। इसका जो वोल्टेज अभी है आप यहाँ पे देख सकते हैं 12.3। तो आप सभी को पता है कि गाड़ी में 12 वोल्ट का बैटरी लगता है, लेकिन ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है ये नॉर्मल वोल्टेज नहीं है, एबनॉर्मल वोल्टेज है 12.3, क्योंकि जब भी बैटरी के ऊपर लोड आएगा तो ये जो वोल्टेज ये ड्रॉप होके 10.8 या ऐसा कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो बैटरी हमेशा लोड पे चेक किया जाता है वोल्टेज। तो 12.3 या 2 इज़ नॉट ए गुड फॉर दिस टाइप ऑफ बैटरी। तो अभी हमको क्या करना है, इसको चार्ज करना है। तो मैं इसको एक्सटर्नली चार्ज करूँगा, मेरे पास एक पोर्टेबल चार्जर भी है जो बाइक और कार में यूज़ होता है। जी हाँ, ये इतना छोटा सा चार्जर आप अपने कार का बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और बाइक का जो चार्जर उसको भी चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल मैंने वीडियो भी बनाया है, बहुत हेल्पफुल चीज़ है दोस्तों। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना है तो नीचे लिंक में दे दूंगा और इसका परचेस लिंक भी दे दूंगा। हो सकता है मॉडल थोड़ा इधर उधर हो लेकिन काम यही करेगा। ये 1.5 एम्स में इसको चार्ज करते रहेगा, तो बूस्ट चार्ज नहीं करता है लेकिन नॉर्मल इसको चार्ज करते रहता है। अराउंड 4 to 5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगा। क्रोकोडाइल क्लिप्स रहता है यहाँ पे, ये एक्चुअली टूट गया है तो मैं डायरेक्ट इसमें इसको टाइट कर दूंगा। ये जो डिवाइस है ये एज ए वोल्ट मीटर भी काम करता है, बैटरी का वोल्टेज भी आप देख सकते हैं। तो मैं जो रेड वायर जो है पॉजिटिव में लगाता हूँ, इसको नेगेटिव में लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 12.2 दिखा रहा है। आई होप कैमरा में कैप्चर हो रहा है, और मल्टीमीटर में भी 2.2 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा था। जब ये चार्जिंग में इसको ऑन कर दूंगा तो ये चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पे शो करता रहेगा, और जब यहाँ पे डिस्प्ले पे 14.5 14.6 जब वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा मतलब बैटरी फुल चार्ज हो गया, हेल्दी हो गया। ओके, तो अभी चार्जर बैटरी के साथ कनेक्टेड हो चुका है और अभी 220 वोल्ट AC सप्लाई अभी बंद है। तो अभी ये जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं ये बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है 12.2। इसको मैं ऑन करता हूँ सप्लाई को, देखिए ये 13.2 में अभी चेंज हो गया। ओके, तो ये अभी चार्जिंग वोल्टेज अभी ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे जब इसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले ये भी बढ़ते रहेगा। तो जब ये अराउंड 14.3 14.4 ऐसा हो जाएगा मतलब फुल चार्ज हो गया। ओके, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, अब कल सुबह देखते हैं गाड़ी कैसे रिएक्ट करती है। तो इसको मैंने ओवरनाइट चार्ज किया और यहाँ पे डिस्प्ले पे अभी 14.5 दिखा रहा है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ सप्लाई। तो अभी ये जो वोल्टेज दिखा रहा है ये बैटरी का दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 13.75 इस टाइप पे यहाँ पे है। तो अभी ये फुल चार्ज हो गया है। ठीक है, बैटरी यहाँ पे लग चुका है। फिर से बंद करते हैं। अभी देखिए बैटरी निकाला था तो यहाँ पे टाइम रिसेट हो गया है। अभी सुबह 7:30 बज रहा है लेकिन यहाँ पे 1:07 दिखा रहा है। तो फिर से अटेम्प्ट लेते हैं। फर्स्ट क्लास काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ज़रूरी नहीं है कि जो बैटरी चार्जर मैंने दिखाया है उसी से आपको चार्ज करना है। अगर उस टाइप का चार्जर आपके पास नहीं है और ख़रीदना भी आप नहीं चाहते हैं तो गाड़ी को काफ़ी आप रन करवाइए बार बार, ठीक है, उससे भी बैटरी आपका चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है और इसी टाइप का वीडियो और भी आप इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।